अरे तू सिंदूरो लगा मनुआ आ तू साड़ियों पहनो बड़ा बढ़िया लगेगा तेरी माय के। अच्छा दन तन सिंदूर काहे न पहनता रे बहिन चोद, मंगलसूत्र पहनने का मरद का, मरद वाला बनवा लेता मुगी तो तुम्हें घर खोल कर करके ढेर टका पैसा कमाइए रहा है। कजरा लगाता है तेरी बहिन के। अच्छा दे अरे वो बहिन चोद मनुआ रंडवे है ना, है छोरी के मंगलसूत्र कहीं छोरा पहनता है, मंगलसूत्र दिया जाता है कन्या बहन चोद के लिए आया अपने तो ही कन्या बनिया रे। किसका मतलब आरती का गला में जो सिकड़ी है उसके बारे में आप बोल रहे हैं? जी जी आरती का वो था छोटू दिया था मंगलसूत्र, वो बोला था जब हम तुमसे ब्याह करेंगे तो पहले मंगलसूत्र बना करके सगाई कर लिया था दोनों अकेले। ये बहन चोद रंडवा उसका मंगलसूत्र किन लिया। कजरा लगाता है तेरी बहन के। अच्छा तो कजरा वाला हो गया। अरे वो सिकड़ी पहना मनु तो क्या हो गया, अब मान के चलिए उनकी पत्नी हो गई। अरे बस सिकड़ी इसका दिल है जो पहन लेगी, छठवा का दिल था। तेरी बहन के साथ जब तुम्हारा भाई उसको दिया था, तुम्हारा भाई से फिचिंग चल रहा था, तू उसका दिल पहन लिया बहन चोद। तू साड़ियों पहनो उसका दिल, सिंदूरों लगा रहे तेरी बहन के साथ। भाई का अफसोस नहीं रहे माता चोद, तुमको मर जाना चाहिए चुल्लू भर पानी में डूब के। जवान भाग गया अरे बहन चोद, तू रंगरलिया मना रही है नेपाल में, कभी घोड़ा पे कभी डिस्को पे। तेरी बहन के अच्छा दिन है तो डिस्को चलता है, एक और रत्ती जवान भाई का अफसोस है रोशन बाबू। बिल्कुल वो तो बोल रहे हैं कि मतलब अफसोस है तो हर वक्त हम उसी गम में डूबे नहीं रहेंगे। तो क्या करेगा, घर खोल के नखरा दिखाएगा। ये बहन चोद के जन्मल घर खोल के नाचती है मनवा, क्या करता है सीना निकाल करके फोटो दे देती है। बहन चोद सीना का है खींचता, खोलिए दो एक बार। मतलब जो होने वाला नहीं है तो आप बोलिएगा वो करने के लिए तो ऐसा संभव है। वो लड़का लड़की खोल करके वीडियो में देता है, लीजिए या खोल देते हैं। नमस्कार दोस्तों, हम नेपाल आए हैं घूमने के लिए, घोड़ा का सवारी किए हैं, आज हम सुहाग रात मनाए चार बार सेक्स। तोरी बहन क्या चादा, चार बार तू सेक्स करती है रे? सेक्स करने के बाद गोपनीय है की उजागर है, आप बताइए हमको। नहीं नहीं ये तो बात गलत है, ये गलती हुआ है, ये गलती के लिए उनको इतना बात बोलना ये भी उचित नहीं। अरे वाह, उसके गलती के कारण नौ आदमी का जिंदगी बर्बाद हो गया, वो गलत नहीं हुआ का है? बिल्कुल वो भी कहीं ना कहीं गलत है, तो गलती पे सुधार हुआ है। इस अपना शारीरिक सुखे के चलते उन लोगों का जीवन बर्बाद हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। अरे तुमको कलवाने का उतना शौक था हिस्टीरिया बीमारी, तो गार्जियन को बोलता तुम्हारा माँ बाप उसी से शादी करा देता, बर्तवारी करके करा देता, तुमको ये रंगरलिया मनाने का क्या जरूरत था? तुम्हारे चक्कर में तो नौ आदमी का मृत्यु हो रहा है जी। बिल्कुल ये भी कहीं ना कहीं बात सही है। और आरती से आप क्या कहना चाहते हैं? आरती से क्या कहना चाहेंगे, हम कहेंगे तुम्हारे वजह से नौ आदमी का जीवन बर्बाद हो रहा है। तुम अगर सच्चा प्रेमी है, धोखेबाज नहीं है, तो तुम नौ आदमी को आजाद करो। अपने सर पे इल्जाम लो कि हम खुद मारे हैं, ये सब निर्दोष है, क्योंकि तुम्हारे शारीरिक खींचिंग के चक्कर में नौ को बर्बाद हुआ। तुम्हारा पल भर की खुशी में नौ आदमी का पूरी जिंदगी का खुशी तू छीन लिया और एगो को मौत कर दिया। तू स्वीकार करो जज से आपके पास। बिल्कुल सर, हम दोषी हैं, हम बुलाए, हम इसको मारे हैं, नौ को आजाद करो, तुम तब सती सावित्री कहलाओगी। बिल्कुल कहीं ना कहीं ये बात सही है। ये आपको लगता है कि आरती अपने ऊपर इल्जाम ले लेगी? वो खलकड़ी को कहा है वो इल्जाम ले सकती है, लोगों का जीवन बर्बाद करके अपना सीना उघार करके वीडियो बनाती है, सीना खोल करके मनुआ क्या करता, दोनों हाथ से सीना को खोल दिया है, दे दिया है यूट्यूब पर। मान के चलिए वो तो वीडियो का कंटेंट हो गया ना उनके लिए, जंगियों खोल के कंटेंट बना लेना। माधर चो तुमको वीडियो का कॉन्टेक्ट समझ आ रहा है, और तुम्हारे वजह से गिरतिया नौगो का जीवन बर्बाद हो गया, तुम लोग को अफसोस न है? एक बार चर्चो ने कर दिया बहिन चोद के जन्म पर, तुम सच्चा प्रेमी हुआ है, प्रेमी को गार मार लिया, उसके जिंदगी बर्बाद कर दिया, फिर उसी के घर में जाके तू खींचिंग कर रहा है। बिल्कुल ये भी बात सही है। चलिए अभी रत्नेश जी से बात किए, आप लोग का जो भी राय है कमेंट में जरूर बताइए ताकि उस पर वीडियो बनाया जाएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।